क्या आप जानते हो कि किसी भी एरोप्लेन को रोकना सबसे मुश्किल काम होता है, मगर क्यों? जब एरोप्लेन लैंडिंग के लिए रनवे पर उतरता है तो उसकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर आर की होती है। ऐसे में अगर एरोप्लेन को ब्रेक लगाकर रोका गया तो फ्रिक्शन की वजह से उसके टायर्स में आग लग सकती है। किसी भी कमर्शियल एरोप्लेन में आमतौर पर 3 ब्रेक होते हैं, जिसमें पहली मैकेनिकल ब्रेक है जो लैंडिंग के दौरान टायर्स को रोकती है, लेकिन ये ब्रेक फ्रिक्शन की वजह से फेल हो जाते हैं। दूसरी ब्रेक प्लेन के पंखों पर लगी होती है, जिनको स्पॉइलर कहा जाता है। लैंडिंग के बाद पायलट स्पॉइलर्स को खोल देता है, जिससे हवा इन स्पॉइलर्स पर टकराती है और प्लेन की स्पीड को धीरे किया जा सकता है। और तीसरी ब्रेक प्लेन के इंजन में होती है। जब प्लेन जमीन पर आ जाता है तो पायलट इंजन के पंखों को उल्टा घुमाते हैं, जिसकी वजह से प्लेन की स्पीड और भी ज्यादा कम हो जाती है।